साहब से भी चाहूंगा कि दो जुमला आप भी इनायत करें। जनाब अखलाक अहमद साहब। जनाब सैयद हफीज साहब की यादों में महफिल लगाई गई है और अल मजहर हुसैन ट्रस्ट के जानिब की ओर से जनाब अतहर हुसैन साहब इसके कन्वेनर और जनाब रवि जी शाहू जी हमारे दोस्त नागमणि जी श्री भगवान जी बाकी ऑनरेबल सम्मानित मंच मौजूद हाजरीन आवाज जहां तक जारी हो ख्वातीन हजरात माँ और बहने प्रेस से जुटे हुए तमाम लोग चूंकि ये मुशायरे का प्रोग्राम है और मुख्तसर एकाद मिनट मैं अपनी बातों को चूंकि हम सियासतदान हैं और हमारी नजर हर जानिब है हर चीजों पर और जहां भी मौका मिले इस्लाह करना चाहिए और तबलीग भी करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेहियों का भी एहसास दिलाना चाहिए। आज मुल्क जिस चौराहे पर है जमहूरियत खत्म हो रही है। चारों स्तंभ ध्वस्त हो रहे हैं चूर चूर हो रहे हैं लोकतंत्र और तब तब न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका से लेकर विधायिका तक और उसके बाद जब संसद है हमारी आखिरी सीढ़ी उसकी भी जो हालत है उसको इस छंद रिश्तता में बयान कर सकते हैं कि संसद अगर होगी तो फरियाद आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। संसद अगर होगी तो फरियाद कहां हो पत्थर की दीवार में करुण नाद कहां हो फिर तो वतन के दर्द को किस जगह सुनावे अपने ही घर घर छत का धुआं किसको दिखाएं। आज ये हमारी बेबसी है हमारी लाचारी है और हम आज 72वां गणतंत्र दिवस समारोह हमने पिछले दिनों मनाया है और उसको हम आज इस 69 वर्ष के इस उम्र में हमने जो भारत की तस्वीर देखा है देख रहा हूं और जो हमारे आंखों की पुतलियों में तस्वीर बन रही है उसको फिर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं अपने अंदाज से कि नैनो अक्ष को बताता हूं जो तस्वीर हमारे आंखों में बन रही है कि नैनो अक्ष को बताता हूं उतार दूं गांधी के बगल में इन्हें संसद में या ले चलो दिखाओ जहां लग 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 या इस विषमता के बल में अकेले कैसे ये गर्दनें फांसी पे चढ़ी ये सवाल आप लोगों से क्या इसलिए गर्दनें फांसी पे चढ़ी थी जुल्मों सितम की आग में आवाम जली थी कि चर ही चंद ही शर्माएदार को भूल के बेच दे और 5 लाख गांव में गुर्बत बदल दे। तो आज मौलवी सैयद बाबू अब्दुल हफीज साहब के यादों में जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी दी रहे हैं मुल्क की आजादी में जिनका हम खिलदार रहा आज उनकी यादों में एक किताब और नजर करते हुए मैं अपने जगह पर बैठ जाऊं क्योंकि हम लोग आए हैं सुनने के लिए आप भी आए सुनने के लिए जिन्हें सुनना है कि झूमो कसम है देश का नगरा हिमालय पर्वत
झूमो मौसम है देश का नगराज आता, अब तो सहिष्णुता का कलेजा भी है फटता, हो जाएगा देश भस्म क्या तभी जगोगे या इन जुल्मी अतिताइयों के खिलाफ धनुष बाण बहोगे। आज वक्त आया है कि हर आदमी सच जो उनकी आंखों के सामने है देखा है देखा है उसको तस्लीम करे, आवाज उठा ले, कहे जबान बंद हो गई, जबान मादूर रहेगी, तो कल आने वाला दिन हम अपने बच्चों और आने वाले नस्लों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। जिन दिन फासिस्टों के हाथ से ताकत चली गई है, मुल्क का जो चौराहे पर खड़ा है कि हिटलर से भी ज्यादा ये बदमाश और ऐसे लोग आज जिनके हाथ में ताकत, आज मुल्क को चौराहे पर खड़ा है, ये मुल्क बचे, हम सबसे जवाब यही है, जिम्मेवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।